Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Okay, my dear students, I am your English teacher and my name is Miss Sara Irfan. Okay, dear students. Okay, now we will continue our reading from page number 1. Okay, what we will going to do? We will going to start our reading from page number 1. We will continue it. Okay, now you have read this before. You have already read kar chuke hain. ओके आप इसको रीड आउट कर चुके हो बिफोर दैट. ओके नाउ टेल मी व्हाट इज दिस वर्ड. स्पीक लाउडली. व्हाट इज दिस वर्ड? रिवीजन. व्हाट इज दिस वर्ड? रिवीजन. से अगेन रिवीजन. आर ई वी आई एस आई ओ एन रिवीजन. रिवीजन्स मीन दोबारा याद करना. यस नाउ रीड दिस लाइन. व्हाट इज दिस? रीड एंड आस्क. रीड एंड आस्क. रीड मीन पढ़ो एंड और आस्क पूछो. रीड एंड आस्क मीन पढ़ो और फिर पूछो. ओके डियर स्टूडेंट्स. नाउ डब्ल्यू एच ए टी. व्हाट? आई एस इज टी एच आई एस. दिस. व्हाट इज दिस? व्हाट मीन्स क्या? इस मीन्स है. दिस मीन ये. व्हाट इज दिस मीन्स ये क्या है. ओके अब हमने ये प्रीवियस लर्न किया है ना. हम इस पेज की स्टार्टिंग तो रीड कर चुके हैं. ओके हमने इसको कंटिन्यू करना है एक्चुअली. ओके और आपने मुझे क्या आंसर करना है? हाँ जी आपको पता है ना. यू हैव टू टेल मी द कंप्लीट सेंटेंस बाय यूजिंग द आर्टिकल ए और एन. ओके आपने मुझे कैसे आंसर करना है? इट इज अ और फिर पिक्चर नेम. देन इट इज एन और पिक्चर नेम. ओके आपको पता है कि कॉन्सनेंट्स के साथ आप ए यूज करते हैं एंड आर्टिकल्स के साथ आप एन यूज करते हैं. ओके नाउ फर्स्ट पिक्चर. नाउ टेल मी व्हाट इज दिस? स्पेल दिस वर्ड. आई सी ई आइस. सी आर ई ए एम क्रीम. आइसक्रीम. व्हाट इज दिस वर्ड? आइसक्रीम. ओके नाउ आइसक्रीम इज स्टार्टिंग विद विच लेटर? व्हाट इज दिस लेटर? आई. आई इज अ वोवल लेटर और अ कॉन्सोनेंट? व्हाट इज दिस? इट्स अ वोवल लेटर. सो व्हाट यू विल से नाउ? टेल मी द सेंटेंस ऑफ दिस. इट इज एन आइसक्रीम और अ आइसक्रीम? इट इज एन आइसक्रीम. वेरी गुड. व्हाट इज दिस? It is an ice cream. Now we have used an here because I is a vowel letter. Very good. Now you have to make some more sentences of the word ice cream. Now look here. This is an ice cream. Yani ye ek ice cream hai. Okay. This is an ice cream. And the second sentence is द आइसक्रीम इज मेल्टिंग. अब मेल्टिंग का क्या मीनिंग होता है? आपको पता है ना कि हम आइसक्रीम तो हॉट सीजन में समर सीजन में खाते हैं ना. हाँ जी तो जब गर्मी होती है और अगर हम थोड़ी देर आइसक्रीम अपनी ना खाएं तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है ना गर्मी की वजह से. हाँ जी यानी पिघलना स्टार्ट हो जाती है. तो अगर आप कोई आइसक्रीम जल्दी से नहीं खाओगे तो फिर वो क्या होगी? वो मेल्ट हो जाएगी. ओके तो सेकेंड सेंटेंस आपका क्या है? द आइसक्रीम इज मेल्टिंग. यस नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. Now look here. What is this? Tell me what is this? It's a what is this? Jeep. We will going to spell this word now. J double E P Jeep. Very good. J double E P Jeep. Now it's a vehicle. Vehicle है ना इसके four wheels हैं और ये transport के लिए use होती है सफर करने के लिए use होती है. Okay. Now tell me. What you will use here? Which article will you use here? A or an? अब क्या use करोगे? Tell me in a complete sentence form. हाँ जी जीप इज स्टार्टिंग विद जे एंड जे इज अ कॉन्सोनेंट और अ वोवल लेटर? इट्स अ कॉन्सोनेंट. तो अब आप क्या बोलोगे? टेल मी द सेंटेंस ऑफ दिस. इट इज अ जीप. यस यू हैव टू से इट इज अ जीप. अगेन इट इज अ जीप. वी हैव यूज ए हियर. ओके अ यूज किया ना आपने? यस क्योंकि ये जे आपका कॉन्सोनेंट लेटर है. नाउ मेक सम मोर सेंटेंसेस. ओके नाउ The sentence is, this is my jeep. My means mera. This is my jeep means ye meri jeep hai. Okay, this is my jeep means ye meri jeep hai. Okay, now the second sentence is, the jeep is clean. The jeep is clean. Clean means saaf. तो आप ये सेंटेंस में हमें क्या मीनिंग पता चल रहा है कि मेरी जीप जो जीप है वो साफ है क्लीन है. द जीप इज clean. Very good. Now look at the next word. What is the next word? Can you tell me what is this? Haan ji bhai. It's what is this? It's kite. Yes. Now spell the kite.
K-I-T-E, kite. Say again, K-I-T-E, kite. Again, repeat this word. What is this word? Kite, yes. Okay, now kite is starting with which letter? It's starting with K. Now, what you will use? It is a or an. Which article will you use? Tell me, what will be your sentence? It is a kite. Very good. What is this? It is a kite. We have used a here because K is a consonant letter. Now tell me some more sentences of the word kite. Yes, sentences are, this is a kite. Yani ye ek kite hai. This is a kite. And the next sentence is, this is my kite. This is my kite. Yani ye meri kite hai. Okay, dear students. Now moving to our next word. Okay, now what is this? Can you tell me kya hai? What is this? It's log. L-O-G, log. L-O-G, log. Ab log kisko kehte hain? Ye dekhiye, wooden piece hai. Lakri ka piece hai na? Yes. Isko log bolte hain. Okay. Now, log is starting with which letter? It is starting with L. Log is starting with L. And L is a vowel letter? No. Then what? L is a constant family member. Yes. So what you will use now? What will be your sentence? Ab aap kya sentence make karoge? It is an log. No. Then it is a log. Very good. We have used a here because L is a consonant. Okay. Now make some more sentences. Okay. Now the sentence is, this is a log. Say again. This is a log. अब this is a log का क्या meaning है? कि ये एक log है. Okay? And this log is big. Second sentence क्या है आपका? This log is big. Big means बड़ा. Big means बड़ा. अब आपको क्या बता रहे हैं? कि ये log बड़ा है. Big है. This log is big. Okay? Now look at your next sentence. Now what is this? ये क्या है? Quick and animate tell me. What is this? It's a fruit. And which fruit is it? कौन सा फल है ये? Tell me, it's mango. Yes. Now spell mango. M-A-N-G-O, mango. Say again, M-A-N-G-O, mango. Okay, mango is a fruit. Now mango is starting with which letter? It's starting with M. Mango M से start हो रहा है. So what you will use? What you will say? It is a or an? It is a mango. Very good. It is a mango. We have used a here. We have used a here because M is a constant family member. Very good. Now make some more sentences of the word mango. Okay. Now the sentence is, this is a mango. Yani ye ek mango hai. Aam hai. Okay. Okay. And the second sentence is, I like to eat mango. आपको अच्छा लगता है मैंगो खाना? सबको ये अच्छा लगता है. तो हमें यही बताया जा रहा है कि आई लाइक टू ईट मैंगो यानी मुझे आम खाना पसंद है. ओके, लाइक मीन पसंद. ओके, आई लाइक टू ईट मैंगो. वेरी गुड. नाउ लुक एट द नेक्स्ट वर्ड. व्हाट इज दिस? कैन एनीबॉडी टेल मी ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज नेल. यस, एन ए आई एल, नेल. एन ए आई एल, नेल. अब आपको ये नजर आ रहा है नेल? ये किस लिए यूज होता है? ये हमने कोई चीज हैंग करनी होती है वॉल में, तो हम कील को पहले हैमर करते हैं ना, उसको वॉल पे फिक्स करते हैं, देन हम कोई चीज हैंग करते हैं. यस, ये नेल है, कील जिसको आप बोलते हो. ओके, नाउ नेल इज स्टार्टिंग विद एन. एंड एन इज अ वॉवल लेटर? नो, एन इज अ कॉन्सोनेंट फैमिली मेंबर. सो व्हाट विल बी योर सेंटेंस? योर सेंटेंस विल बी, इट इज a nail. Very good. It is a nail. We have used a here because N is a consonant family member. Now make some more sentences. Okay, now look at the sentence number one. This is a nail. Yani ye ek nail hai, keel hai. This is a nail. Okay, and the second sentence is, the nail is sharp. Sharp mean nokila. ये pointed है ना, देखो nokila है, तेज है बहुत. The nail is sharp. The nail is sharp. इसका meaning ये है कि ये nail जो है, कील जो है, ये बहुत sharp है, तेज है, nokila है. Okay, now look at the picture. What is this? It's again a fruit. Okay, now tell me which fruit is this? What is this? Orange. Yes. Now spell orange, everyone. O R A N G E,
orange. Very good. And orange is starting with which letter? It is starting with O. And O is a vowel letter or a consonant family member? It's a vowel letter. Yes. Now tell me quickly, what will be your sentence? Your sentence will be, it is an orange. Yes, we have used an here. Okay, why we have used this? Because O is a vowel letter. हाँ जी, अब तो आपको अच्छे से learn हो चुका है ना? हाँ जी, quickly recall किया करें अपनी memory में. जो आप learn कर चुके हो, उसको अच्छे से अपने mind में fix रखना है. और जहाँ जहाँ वो applicable होगा, आपने उसको use करना है. Okay? अब आप सबको पता है कि हम consonants के before क्या use करते हैं? Use करते हैं. And vowel letters के before आप क्या use करते हो? An use करते हैं. Okay? याद है ना आप सबको? Okay, now make some more sentences of the word orange. हाँ जी, the sentence is, this is an orange. यानी ये एक orange है, माल्टा है. And the second sentence is, this orange is big. यानी ये orange बड़ा है. This orange is big. Okay, dear students. Now look at the next picture. Okay, now what is this? This is, tell me, pot. P-O-T, pot. What is this word? Pot. Pot, गमले को बोलते हैं. पता चल रहा है आपको? हाँ जी, ये pot है. Pot को हम क्यों use करते हैं? किस लिए use करते हैं? Pot को हम plants लगाने के लिए use करते हैं. Pot के अंदर हम soil डालते हैं, मट्टी डालते हैं. फिर हम इनको seed अंदर soil में dip कर देते हैं. Okay? और फिर हम कुछ दिन उसको पानी देते हैं, तो फिर हमारा plant grow करना start कर देते हैं ना? Yes. Pot mean gamla. Pot mean gamla. Now pot is starting with P. And P is a vowel letter? No, it is a consonant letter. Yes. Now what we will use? A or an? Kya use karoge ab aap? Tell me the sentence. It is an pot? No. Then it is a pot. Very good. It is a pot. We have used a here because P is a consonant family member. Yes. Now make some more sentences of the word pot. Okay. Now we have got our sentences. This is a pot. यानी ये एक गमला है. This is a pot. Okay? And the second sentence is, this pot is small. यानी ये गमला छोटा है. This pot is small. Small means छोटा. Okay, dear students? Okay. With this, our topic comes to an end. Okay? और in the end, again, I would say, कि आपने इस पेज को 5 times रीड करना है. अब आपको अच्छे से आर्टिकल का यूज़ तो पता चल चुका है कि कहाँ पे आपने क्या यूज़ करना है, ए कहाँ यूज़ करना है और एन आपने कहाँ यूज़ करना है. तो आपने इस कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं है, इसको अपने माइंड में फिक्स कर लें. ओके डियर स्टूडेंट्स, और आपने इस पेज को 5 times ज़रूर रीड करना है. आई एम टेलिंग यू अगेन. ओके, दैट्स ऑल. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.